और सबसे पहले आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें। एक तरफ असम में मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यूपी टू असम मदरसों पर एक्शन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे किया जाएगा, वहीं असम में कई जगह पर मदरसों पर बुलडोजर चला है। यूपी सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जाएगा। 10 सितंबर तक सर्वे की टीम गठित कर दी जाएगी। एडीएम के निर्देशन में यह सर्वे होना है। इसके बाद डीएम को मदरसों की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट डीएम को सौंपी जानी है। करीब 16,500 मदरसे उत्तर प्रदेश में, जिनमें से करीब 550 ऐसे हैं जिन्हें सरकार से अनुदान मिलता है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी मदरसे हैं, ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उसे लेकर यह सर्वे किया जाना है। बिजली, पानी, शौचालय, फर्नीचर की व्यवस्था किस तरह की है, कितने शिक्षक हैं, किस तरह का पाठ्यक्रम है, सिलेबस क्या है, छात्रों की संख्या कितनी है, ये सारी जानकारी इस सर्वे के दौरान इकट्ठी की जाएगी। बीजेपी से राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। राकेश जी, इस सर्वे के पीछे का मकसद क्या है? देखिए, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी मदरसे शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा एक व्यवस्थित तरीके से दें। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने से पहले पिछले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में लगभग 19,000 मदरसे थे। जब हमने वेब पोर्टल्स पर पंजीकरण करना अनिवार्य किया तो 3,000 मदरसे अपने आप गायब हो गए, केवल 16,000 मदरसों का ही पंजीकरण हुआ। वास्तविकता में कई ऐसे मदरसे हैं जो कागजों पर चलते हैं, जिनके नाम पर फर्जीवाड़ा होता है, मदरसों के शिक्षकों की नियुक्ति में भी भारी धांधली होती है और इसमें बड़े पैमाने पर शोषण होता है। हम चाहते हैं कि शिक्षा के केंद्र निश्चित तौर पर उसकी एक गंभीरता रहे, उसकी जिम्मेदारी रहे, जवाबदेही रहे, क्योंकि शिक्षा के केंद्रों के नाम पर फर्जीवाड़ा नहीं चल सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से हमने पूरी बुनियादी तालीम, चाहे वो बेसिक एजुकेशन हो, चाहे वो मदरसा बोर्ड की शिक्षा पद्धति हो, हमने सब में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया और उसके कारण से आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता में बेहद सुधार। आप ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मदरसे हैं जो सिर्फ कागज पर ही चलते हैं, असल में उनके नाम पर फर्जीवाड़ा होता है। अनुराग भदौरिया, आपको भी लगता है ऐसा फर्जीवाड़ा हो रहा है, पकड़ना जरूरी है? देखिए, सरकार 6 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, इनको करना कुछ नहीं है, खाली आपके टीवी चैनल पे आके न्यूज बनानी है। 6 साल से सरकार ने एक पैमाना जारी किया था, गाइडलाइन जारी की थी, कब की किस गाइडलाइन के हिसाब से मदरसे चलेंगे, लेकिन इनको उसमें होना आना कुछ नहीं है। क्योंकि इनको लगता है ना, थोड़े नफरत की बात करते रहेंगे, थोड़े मदरसों की बात करते रहो, थोड़ा माहौल बनाए रहो। अरे भैया, सरकार झुंझुना बजा है क्या? सब काम गड़बड़ हो रहा है तो सरकार क्या करती है? सरकार खाली न्यूज बनाने के लिए है क्या? ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूज बनाती है, कुछ नहीं करना है इनको और ना कुछ करना है। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति साफ सुथरा है, चाहे किसी भी जात धर्म का हो, जो गलत होगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और इनको कानूनी कार्रवाई करनी होती तो अब तक कर देते, नहीं की क्यों? क्योंकि इनको न्यूज बनानी है, आपको एक न्यूज दे दी, फिर वो न्यूज बनेगी। राकेश जी तो कह रहे हैं ना कि जब वो आए सत्ता में तब 19,000 मदरसे थे, जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की तो सिर्फ 16,500 बचे, करीब 2,500 से 3,000 फर्जी निकले। अरे भाई, वो उनके उनका काम है आए बाएं साए बोलना बीजेपी का। आप बीजेपी की बात पे कितना यकीन करते हैं? आपको क्या इन्होंने बोला था 15 लाख सबके अकाउंट में आ गए क्या? 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, दे दी क्या? इन्होंने बोला था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, चल गया क्या? इन्होंने बोला था नया भारत बनाएंगे, हर घर में रोजगार होगा, हो गया क्या? महंगाई खत्म हो जाएगी, डीजल पेट्रोल की कीमत एकदम 20-30 रुपए पे आ जाएगी। आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, वो तो सरकार के सारे वादों की बात हो गई ना, मैं तो अभी मदरसे पर बात कर रहा हूँ, बाकी सारे टॉपिक पर तो चर्चा होती ही रहती है। थोड़ा सा टॉपिक पर अनुराग जी, आप इतना आप अपनी बात रखी है तो कम से कम टॉपिक पर तो रखिए। यास्मीन फारूकी हमारे साथ है। यास्मीन जी, आपको भी लगता है कि अगर कोई ऐसे मदरसे हैं जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं, जिनके नाम पर दरअसल फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो उनकी जांच होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए? लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ हो रही है ना कि सर्वे के बने, सर्वे जांच सबसे पहले ही बुलडोजर चल रहा है। अब बोलने के लिए आपने गुंजाइश छोड़ी है क्या? इस पे बोलने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी आपने।
किस बात पे एहतजाज करें, ये बात किस बात पे कहें कि हाँ जांच होनी चाहिए, हाँ ये होना चाहिए। बुलडोजर चला दिया, अब आप सवाल कर रहे हो, अब आप ये कहो कि बुलडोजर क्यों चलाया, पहले जांच क्यों नहीं की। इस सवाल का जवाब ये है। राकेश त्रिपाठी, नहीं देखिए, बुलडोजर तो हर उस अवैध बिल्डिंग पर चलेगा जो नियमों को ताक पर रख करके की गई है, हर उस बिल्डिंग पर चलेगा जिसने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जिसने गरीब गुरबों की, विधवाओं की, महिलाओं की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। कब्जा करके बनाई गई हर आलीशान अट्टालिका को धूल धूसरित किया जाएगा और नियमों के सापेक्ष किया जाएगा। ये बुलडोजर अवैध नहीं चला है, अवैध बिल्डिंगों पर चला है। मुझे लगता है यासमीन फारूकी जी को शायद इस बात की जानकारी नहीं है, जहां कहीं भी अवैध होगा वहां बुलडोजर जाएगा। लेकिन अवैध मदरसों पर कार्रवाई करने से पीड़ा क्यों, मुसलमानों के बारे में हर जानकारी आपके पास है और किसी के पास नहीं है। ज्ञानेश्वर हैं आप लोग, मैं तो आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप लोगों से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। आप क्या के बीजेपी वाले जिनको सवाल जवाब बैठ के जवाबों से अपने हमारे सवालों से इतने भागने लगे, किसी डिबेट में नजर नहीं। नहीं यासमीन जी, कोई नहीं आपके सवाल से भागेगा। मैं आपसे फिर कहता हूँ, अपना सवाल पूछिए। आपने कहा पहले बुलडोजर चला देते हैं, उन्होंने कहा अगर अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो बुलडोजर चलेगा। अब बताइए क्या सवाल है आपका। नहीं भाग रहे राकेश त्रिपाठी, कहीं नहीं भागेंगे। सवाल पूछिए अपना, साबित करो, साबित करो, पहले कोर्ट जाओ। अरे कोई रूल रेगुलेशन है क्या, कुछ बचा है क्या हिंदुस्तान में? आप बता दीजिए ना कि आप कौन सी जगह का जिक्र कर रही हैं जहां पर नियम कानून तोड़े गए, किस शहर में, किस जिले में ऐसा हुआ, बता दीजिए तो राकेश जी जवाब दे देंगे। किस बात पे आसाम में, किस बात पे? नहीं, आप उत्तर प्रदेश के मदरसों के सर्वे की बात कर रही है ना, अब राकेश जी आसाम वाला जवाब कहां से देंगे? कोर्ट गए थे। मैं आपसे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मदरसों के सर्वे की। चलिए ठीक है, अगर आप आसाम को ही उठा रही है तो राकेश जी से वो भी पूछ लेते। नहीं भागेंगे राकेश त्रिपाठी, जवाब देंगे आपको। राकेश जी जवाब दे दीजिए। शायद विषय की जानकारी नहीं है, बिना विषय की जानकारी के जब बिना तथ्य पे बात करेंगे तो परिणाम इसी प्रकार के होते हैं। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी बुलडोजर की कार्रवाई इलीगल हो रही होती तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर रोक लगाती। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक साफ साफ कहा, जो लोग उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर कार्रवाई रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलीगल कंस्ट्रक्शन पर, इलीगल गतिविधियों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। यासमीन फारूकी, फिर अनुराग भदौरिया के पास आऊंगा। यासमीन फारूकी, वो तो साफ कह रहे हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर कुछ इलीगल है, अवैध तरीके से बना है, तो बुलडोजर चलाने से या कार्रवाई करने से कैसे रोक सकते हैं भाई? अगर कुछ सरकार, अगर कुछ, तो वो कुछ कौन कौन से हैं? फिर मैं डिटेल लाओ ना, पूरी तफसील लाओ ना। सिर्फ मदरसे और मुसलमानों के घर ही हैं क्या? वही इलीगल हैं। अच्छा ठीक, और सब लीगल हैं। ठीक, पूरा हिंदुस्तान इतना ज्यादा लीगल चीजों पे बैठा हुआ है। विजय शंकर तिवारी, विजय शंकर तिवारी के मदरसे मुसलमानों के घर रहे, सिर्फ मुसलमानों पर एक्शन हो रहा है, ये बात नहीं है। बहुत लंबे समय से जब जब बुलडोजर चला यही बात दोहराई जाती है, ऐसा नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में श्रीकांत त्यागी के भी देखा हमने, चल गया ना बुलडोजर। तो अब ये धर्म आधारित तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, कुछ अवैध है, गलत तरीके से बना है, किसी और की जमीन को कब्जा करके बना है तो चल रहा है बुलडोजर। श्रीकांत त्यागी उदाहरण है, बताइए विजय शंकर तिवारी। देखो विशाल, जो मदरसे हैं वो आतंक का पर्याय है, ये केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी इसकी गतिविधियां चल रही है, ये फ्रांस में और जर्मनी में भी ये चल रही है, वियना में भी चल रही है, वियतनाम में भी चल रही है। और यहाँ तक कि जो ज्ञान की बात अभी हमारी बहन ने कहा, तो ज्ञान ब्रिटेन को मिल चुका है। जब वहां पर मदरसे नहीं थे तो वहां लोग बड़े आराम से रहते थे। इसके बाद रेफरेंडम होने की बात करी, जनसंख्या गिनती होने की बात की, आप बताइए इस्लाम धर्म में कितने लोग हैं। यानी वहां पर कब्जा करने की पूरी कोशिश होने लगी है। जहां जहां मदरसे हैं वहां पर उस जमीन को, उस स्थान को कब्जा करने की बाकायदे कोशिश होती है। ये कश्मीर जो है, कश्मीर में भी मदरसों का आतंक है। आप एक मुख्यमंत्री को 800 मदरसे बंद करने पड़े, ये बताइए कितनी देश की ये एक तरीके से उनकी समस्या है। उत्तर प्रदेश की कितनी बड़ी समस्या है, एक मुख्यमंत्री अभी वहां पर प्रदेश का जो सारा शासन है उसको इस बात में लगना पड़े कि यहाँ पर सर्वे होना चाहिए। ये इस समाज की और देश की समस्या है। आतंक इस प्रकार की समस्या बन चुके हैं। और राज्यपाल केरल के राज्यपाल ने भी क्या कहा मदरसों के विषय में, ये आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अनुराग भदौरिया,
मुझे तो ये लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है सारा चीज की अव्यवस्था हो जाती है। इनको असली मुद्दों पे तो बात करनी नहीं है, इनको मदरसों पे बात करेंगे, ये नफरत की राजनीति करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे लगता है कि इनके अंदर में भाईचारे वाला नाम की कोई चीज है ही नहीं। भाई कानून है, यहाँ देश संविधान और कानून से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस वाले संविधान से नहीं चलेगा, ना बीएचपी वाले संविधान से चलेगा, कि बाबा साहब वाले संविधान से चलेगा। ये कोशिश करते हैं कि हम इस पे डिबेट करते रहें जिससे कोई उंगली ना उठा पाए कि आखिर आज डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है, कोई पूछ ही नहीं पाए, तो इसी पे चर्चा करते रहो। महिला पे अत्याचार उत्तर प्रदेश नंबर वन हो गया, इस पे बात ही ना हो पाए। अनुराग जी, आपने कहा देश कानून संविधान से चलेगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, तो मदरसों का सर्वे गैर कानूनी हो जाता है क्या? अरे तो मैंने कब बोला गैर कानूनी है? मैंने मदरसों का अगर कोई सर्वे करे तो ये गैर कानूनी काम है क्या? नहीं, आपको सर्वे से रोका किसने है? किसने रोका क्या? किसी ने कुछ कहा कि सर्वे के ऊपर में किसी ने कुछ कहा? हमने कहा कि सर्वे नहीं होना चाहिए, किसी ने कहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खबर बनानी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मदरसों के सर्वे कराने का निर्णय स्वागत योग्य है, स्वागत करिए। अनुराग जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप कह दीजिए ना कि स्वागत योग्य कदम है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर फर्जीवाड़ा है, सिर्फ कागजों पर कुछ मदरसे चलते हैं तो सुन तो पता चल जाना चाहिए सर्वे में। सुन तो लीजिए, स्कूलों में सर्वे हो रहे हैं, क्या आपने डिबेट कराई? नहीं कराई ना। स्कूलों में भी तो सर्वे होते हैं ना, टीचर जाते हैं, सर्वे होता है, मानक के रूप में है कि नहीं है, मानक के हिसाब से बना कि नहीं बना है, क्लास सर में आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि अगर सर्वे हो रहे हैं, सर्वे होता है ना, और फर्जी बाड़ा अगर सामने आता है तो ये स्वागत योग्य कदम है या नहीं है, मैं तो यही पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, जब स्कूल में हम जाते हैं, स्कूल का सर्वे होता है, मानक के रूप में स्कूल बना कि नहीं बना, टीचर मानक के रूप में है कि नहीं, क्लास मानक के रूप में बना कि नहीं बना, ये सर्वे रोज चलते रहते ना, हम इस पर डिबेट तो नहीं करते। डिबेट इसलिए नहीं हो पाती ना सर, क्योंकि वहां पर कोई धर्म का मुद्दा नहीं उठाता। यहाँ पर जब कोई मदरसों का सर्वे करता है तो सामने वाला ये कहने लग जाता है कि ये तो मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया जा रहा है, इसलिए डिबेट कर रहे हो। बीजेपी, सुन तो लीजिए, बीजेपी उठाती है, आप उठाते हो, और कोई नहीं उठाता है, सिर्फ बीजेपी। तो आपको नहीं लगता कि एक जिम्मेदार विपक्ष के होने के नाते आपका भी जवाब देना बनता है? आप भी तो अपनी बात रखते हैं ना डिबेट में, अब डिबेट ही क्यों होती है आप यही सवाल पूछने लग जाएं? सिर्फ बीजेपी, अब आप यही पूछने लग जाएं कि बहस ही ना हो, चर्चा ही ना हो किसी विषय पर। राकेश त्रिपाठी, जवाब दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अनुराग भदौरिया आज आपके इस प्लेटफॉर्म पर योगी सरकार का मदरसों का सर्वे कराने का निर्णय स्वागत योग्य है, समाजवादी पार्टी इस निर्णय की तारीफ करती है, प्रशंसा करती है, और हाँ मदरसों का सर्वे होना चाहिए, ये बात समाजवादी पार्टी कहते हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं, आप तो ध्यान भटका रहे हैं, मदरसों का सर्वे कोई जरूरी नहीं है, आप तो ध्यान भटका रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं। और यास्मीन जी ये कह रही है कि आप क्योंकि वो मुस्लिमों के हैं, वो मदरसे हैं, इसलिए आपको सर्वे करना है, बाकी किसी चीज का सर्वे नहीं करना है, आप धर्म आधारित कार्रवाई करते हैं सारी। देखिए, स्थापित हो गया सच्चाई यही है कि यास्मीन फारूकी जी को समस्या हो या अनुराग भदौरिया को समस्या हो, इसलिए डिबेट होती है। मैं मानता हूं कि ये डिबेटेबल टॉपिक नहीं होना चाहिए, अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। यास्मीन फारूकी जी को मैं जानकारी दे दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी और नया निर्णय किया है कि मदरसों में पढ़ाने वाली जो महिलाएं हैं उनको भी मातृत्व अवकाश मिलेगा। अब इससे पहले नहीं मिला करता था, अब मातृत्व अवकाश देने की भी बात हमने की है। अरे हमने कहा मदरसों में पढ़ने वालों की लिस्ट बताऊं क्या? नहीं नहीं, राकेश जी, उनका डर दूर कर दीजिए ना, उन्हें ये बता दीजिए कि भाई सर्वे करने का मकसद ये नहीं होता कि बुलडोजर चला देंगे। मदरसे के पढ़े उनका जो डर है वो दूर कर दीजिए, उन्हें लग रहा है आप सर्वे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बुलडोजर चलाना, आप ये डर दूर कर दीजिए। मैं विशाल पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आंच को आंच नहीं होनी चाहिए, जो सच्चा है उसको डर नहीं होना चाहिए, और जो गड़बड़ है, जो बेईमान है, उसके अंदर डर। बहुत देर से यास्मीन जी वेट कर रही हैं, 30 सेकंड, अपनी बात पूरी कर ले यास्मीन जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। मैं आपको उस नामों की लिस्ट गिनवाती हूँ, इनको आप ऐसा करें घोषित कर दीजिए कि ये सब वो थे, राजा राम मोहन राय मदरसे के पढ़े हुए थे, कलाम मदरसे के पढ़े हुए थे, मुंशी प्रेमचंद मदरसे के पढ़े हुए थे, शंकर दयाल शर्मा मदरसे के पढ़े हुए थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मदरसे के पढ़े हुए थे, फखरुद्दीन। नहीं यास्मीन जी, कौन मना कर रहा है मदरसे जाने के लिए? ये तो कह रहे हैं कि सर्वे करा लेते हैं, सर्वे में कई ऐसे मदरसे हैं जो कि सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं, अगर कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है तो वो फर्जीवाड़ा सामने आ जाए। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं, आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।